सो आपका ब्रेक लेने का तरीका क्या है? एक लॉन्ग ड्राइव, अ वीकेंड अराउंड ए बीच, या फिर कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन अगर आपका रिलैक्स करने का मेथड नेचर एंड माउंटेन्स के साथ वक्त बिताना है और एक से एक सुंदर बर्ड्स को देखना या फोटोग्राफ करना है, तो कोसानी से अच्छी जगह शायद ही कोई हो। कोसानी उत्तराखंड के ज़िला बागेश्वर में सिचुएटेड एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जो कि अपनी सीनिक ब्यूटी के साथ साथ यहाँ से दिखने वाले हिमालयाज के 300 किलोमीटर वाइड व्यू के लिए बहुत फेमस है। कोसानी में आकर आप जिस भी होटल या होमस्टे में रुकेंगे, वहाँ से आपको त्रिशूल, नंदा देवी और पंचाचुली जैसी खूबसूरत माउंटेन रेंजेस का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। अब जब डेस्टिनेशन डिसाइड हो गई हो, तो रास्ता तो अपने आप ही मज़ेदार हो जाता है। और एक बार हिमालयस की गोद में आने के बाद आपको यहाँ की हर चीज़ अच्छी लगेगी। देवदार के पेड़ जब दिखने लग जाएं और डेवलपमेंट के साइंस हर तरफ नज़र आएं, तो समझ जाइएगा कि आप उत्तराखंड के सबसे फेमस हिल स्टेशन यानी कि नैनीताल पहुँच गए हैं। नैनी लेक के अराउंड बसा ये सुंदर हिल स्टेशन आपको एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेगा, और यही वजह है कि आप चाहे साल के किसी भी महीने नैनीताल आएं, आपको यहाँ की हसल और बसल में कोई कमी नहीं दिखेगी। नैनीताल क्रॉस करते ही आपकी नजर पड़ेगी उत्तराखंड के वन ऑफ द फेमस टेंपल्स कैंची धाम पर। यह मंदिर 1960s में श्री नीम करोली बाबा द्वारा स्थापित किया गया था, और इस मंदिर की पॉपुलैरिटी इस बात से भी है कि स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी एप्पल बनाने की इंस्पिरेशन भी यहां आकर मिली थी। कोसी नदी पर बने एक सुंदर ब्रिज को पार कर हम थोड़ी देर के लिए उत्तराखंड की इस जीवनदायिनी नदी के साथ साथ चलने लगते हैं। सामने होता हुआ एक खूबसूरत सनसेट हमें बता रहा है कि आज कोसानी पहुंचते पहुंचते रात होने वाली है, और यही सोचकर अब हम बिना रुके कोसानी की तरफ बढ़ रहे हैं। पक्षियों की चहचहाट के बीच जब आपकी नींद खुलती है, तो सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है इस खूबसूरत सनराइज पर, और तभी आपको नजर आने लगती है त्रिशूल माउंटेन, जिसे देखने के लिए कोसानी से अच्छी जगह शायद ही कोई हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टेप इन द वुड्स। इस वक्त हम कोसानी में हैं, जो कि उत्तराखंड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक मानी जाती है। कोसानी आने के लिए मोस्टली लोग वाया दिल्ली आते हैं, बिकॉज दिल्ली से आप यहाँ पे 12 घंटे की ड्राइव करके ऐसा पहुँच सकते हैं। करीब 400 किलोमीटर की ड्राइव है, सुनने में तो बहुत टायरिंग लग रही है, बट आधे रास्ते के बाद जैसे ही हिल्स पे आप चढ़ाई शुरू करते हैं, तो रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है, और नेचर आप इतनी इन्जॉय करेंगे कि आपको थकान महसूस नहीं होगी। मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये सारी स्नो रेंजेस हैं, त्रिशूल, नंदा देवी, सारी पिक्स मेरे पीछे बड़ी क्लियरली विजिबल हैं, और मेरे चारों तरफ इस वक्त बहुत सारी बर्ड एक्टिविटी है, बहुत सारे तरह तरह के बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं। तो इस वक्त हम निकल पड़े हैं अपना कैमरा लिए बर्डिंग करने के लिए। सुबह जब मैं उठा यहाँ पे, तो मुझे मैगपाइस, वुडपेकर, थ्रशेस की काफ़ी कॉल्स आ रही थी, तो जो कि बहुत रिफ्रेशिंग था मेरे लिए। तो अभी हम बर्डिंग करने निकले हैं, तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या बर्ड्स मिलते हैं हमें। हिमालयस में पहुंचकर जो बर्ड सबसे कॉमन आपको दिखेगा, उसका नाम है स्ट्रीक लाफिंग थ्रश। ये बर्ड छोटे इंसेक्ट्स, कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर्स को खाता है, और अक्सर आपको बुशेज में और ग्राउंड पर मिलेगा। लाफिंग थ्रश को देखते देखते जब आपका ध्यान इस चहचहाहट पर जाएगा, तो आपकी नज़र पड़ेगी एक सुंदर स्पैरो पर, जिसका नाम है रसट स्पैरो। ये स्पैरो हाउस स्पैरो से काफ़ी मिलती हुई स्पैरो है, लेकिन इसकी बॉडी का ये रूफोस कलर इसकी यूनिक डिस्टिंक्शन है। और लीजिए, हाउस स्पैरो की बात करी थी कि उसका मेल भी रसट स्पैरो के मेल के पास आकर बैठ गया है। इन दोनों स्पैरोस को एक साथ देखना बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। स्पैरोस के बाद हमारी नज़र पड़ रही है ग्रे बुशचैट पर, जो ग्रे, ब्लैक एंड वाइट कलर्स का सुंदर बर्ड है और हिमालयस में कॉमनली दिखता है। बर्डिंग करते हुए त्रिशूल पीक का यह सुंदर नज़ारा बार बार हमें एक रिलैक्सिंग फीलिंग दे रहा है। सुबह की शानदार धूप में हमारे चारों तरफ काफ़ी बर्ड एक्टिविटी है, लेकिन जंगल घना होने की वजह से उन बर्ड्स को स्पॉट करना और फिर शॉट ले पाना अक्सर थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। फिलहाल हम स्पॉट कर रहे हैं वुडपेकर फैमिली के एक सुंदर बर्ड को, जिसका नाम है ब्राउन फ्रंटेड वुडपेकर। ये हिमालयस में पाए जाने वाला एक मिड साइज वुडपेकर है, जिसके सर का ये येलो एंड रेड कलर इसकी पहचान है। आगे बढ़ने पर हमें एक बार फिर से दिख रहा है ग्रे बुशचैट का ये मेल, जो कि सुबह के नाश्ते के लिए
बीटल्स, ग्रास होपर्स और दूसरे छोटे इंसेक्ट्स की तलाश में हैं। फाइनली हमें दिख रहा है एक खास और ब्यूटीफुल मेल बर्ड जिसका नाम है येलो ब्रेस्टेड ग्रीन फिंच। इस बर्ड का फेस एंड अंडर पार्ट्स येलो होते हैं जबकि इसका हेड और चीक्स ब्लैक होते हैं। ये सुंदर बर्ड इंडिया के अलावा अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत और वियतनाम में भी पाया जाता है। जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे हेज भी कम होती जा रही है और सामने की माउंटेन रेंजेस का सुंदर नज़ारा और भी क्लियर होता जा रहा है। इस वक्त हमें नंदा घुंटी, त्रिशूल, मृगथुनी आदि पर्वत एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सुंदर नज़ारे को एंजॉय करते हुए और बर्ड कॉल्स को फॉलो करते हुए हम लगातार अलग अलग बर्ड्स को कैप्चर कर रहे हैं और अब हमारे सामने है फ्लाई कैचर फैमिली का ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर, जो कि एक स्मॉल फ्लाई कैचर है और अक्सर दूसरे छोटे बर्ड्स के साथ फ्लॉक बनाकर चलता है। इसका स्क्वेयर शेप्ड क्रेस्ट इसे दूसरे छोटे येलो एंड ग्रे बर्ड्स जैसे कि वॉबलर से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यहाँ पर बहुत सारी बर्ड एक्टिविटी है, मेरे चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स चारों तरफ घूम रहे हैं और उनको हम शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ओरिएंटल टर्टल डव जो इस वक्त हमारे सामने बैठा हुआ है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक बहुत ही सुंदर फ्लाई कैचर का भी शॉट लिया जिसको मुझे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन ये देखिए, ओरिएंटल टर्टल डव डव्स एंड पिजन फैमिली का एक ब्यूटीफुल बर्ड है जिसे आप रूफोस टर्टल डव के नाम से भी बुला सकते हैं। ये डव अक्सर आपको हिमालयन फुटहिल्स में लो हैंगिंग ब्रांचेस पर या जमीन पर देखने को मिलेगा और जिस ब्लू फ्लाई कैचर को हमने भी फोटोग्राफ किया था और जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं, इसका नाम है अल्ट्रा मरीन फ्लाई कैचर। ये ब्यूटीफुल फ्लाई कैचर एक स्पैरो से भी छोटे साइज का होता है और इसका डीप ब्लू एंड व्हाइट कलर इसे बेहद सुंदर बना देता है। इस बर्ड को फोटोग्राफ करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये ज्यादातर कैनपीज में या बुशेज में ही रहना पसंद करता है। नेचर भी कमाल है, यहां आप जहां नजर डालेंगे वहीं आपको मन लुभा लेने वाला नजारा दिखेगा और शायद यही वजह है हम जैसे कई लोग सिटीज की डेली लाइफ से ब्रेक लेकर बार बार इस नेचर में आना पसंद करते हैं। वेल, बर्डिंग करते करते हमारा ध्यान जा रहा है बहते हुए पानी से होते हुए शोर की तरफ और हमारे कदम बढ़ चलते हैं उस डायरेक्शन में ताकि पानी की इस लगातार आती आवाज के सोर्स को भी देख सकें। बर्डिंग करते करते हमारी मुलाकात चंदनलाल जी से हो गई और चंदनलाल लाल जी यहाँ पे KMBN कोसानी में ही काम करते हैं। तो चंदनलाल जी कहाँ से हैं? मैं रामगढ़। रामगढ़ से? अरे वाह। पर रामगढ़ भी अगर आप लोगों को पता हो तो मुक्तेश्वर के पास वाला रामगढ़ फ्रूट्स के लिए बहुत फेमस है, वो जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? मुझे 3 महीने। 3 महीने हुआ अभी यहाँ वाले KMBN पे। अच्छा, तो चंदनलाल जी के साथ बात करते करते पता लगा कि नीचे हमारे बिल्कुल पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पानी का स्रोत है। हम ऊपर से इसको देख रहे थे बर्डिंग करते हुए, तो अगर ये पानी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल नेचुरल वाटर है और ये ओक ट्रीज जो होते हैं, जो मुझे कई लोगों ने बताया पहाड़ों में, ओक ट्रीज जो होते हैं वो पानी छोड़ते हैं और वो इकट्ठा होते हुए यहाँ पर आता है। तो ये पानी चंदनलाल जी, ये पूरा साल आता है? हाँ जी, पूरा साल आता है। और चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, ये पानी गंदा नहीं होता? ठंडा पड़ा था। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और ये इतना ठंडा पानी है, पूरा साल आप कभी भी ये पानी पियेंगे आप एकदम तरोताज़ा रहेंगे। तो अगर आप शहरों में जो बॉटल्स और मिनरल वाटर की बात करते हैं जो हम वहाँ पे खरीदते हैं, वो यहाँ पे नेचर ने बिल्कुल फ्री दिया हुआ है और इसी वजह से पहाड़ों में अगर आप देखेंगे तो लोग ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं, अच्छी हवा इनहेल करते हैं और अच्छा पानी पीते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। तो थैंक यू चंदनलाल जी, मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे। इस वक्त मेरे बिल्कुल पीछे एक पेड़ है जिसपे घने लाल रंग के बड़े बड़े फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इस पेड़ पे ऐसा क्या है और ये इतने सुंदर फ्रूट्स बाज़ार में क्यों नहीं देखने को मिलते। तो मैंने एक दो लोगों से पता किया तो पता लगा ये बड़ा जहरीला फ्रूट है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता लगा,
लेकिन अगर ये कोई भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन खाएगा तो मुंह में पूरी स्वेलिंग हो जाएगी और ये बिल्कुल भी खाया नहीं जा सकता। बट नेचर ने हर तरह की चीज़ें बनाई, खाने लायक भी और ना खाने लायक, बट दिखने में बहुत सुंदर है। अब जंगल की खूबसूरती देखिए, मेरे बिल्कुल पीछे एक देवदार का पेड़ है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक लोकल लेडी यहाँ से जा रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इस पेड़ की भी फोटोग्राफ लीजिए। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या खास बात है इस पेड़ में। अब आप कमाल की बात यह है कि ये एक ऐसा पेड़ है जिसको ये लोग पांडव बोलते हैं, क्योंकि ये 5 देवदार के पेड़ एक साथ एक ही पेड़ से नीचे से निकल रहे हैं। तो इतना खूबसूरत नज़ारा है इस पेड़ को देखने का, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी 5 देवदार के पेड़ इकट्ठे नहीं देखे, जो एक्चुअली एक ही पेड़ 5 पेड़ों में कन्वर्ट हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर दिखने में, और नेचर क्या क्या दिखाती है हमें, बहुत ही बढ़िया। आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम आपको बार बार ये स्नो माउंटेन्स का व्यू दिखा रहे हैं, पर यकीन कीजिए कोसानी जगह ही ऐसी है और यहाँ आने के बाद आप अपने आप को इस व्यू को देखने से रोक ही नहीं पाएंगे। खैर, दोपहर का वक्त हो चला है और आज की इस शानदार दोपहर हम बढ़ रहे हैं कोसानी के पास बसे हुए सुंदर टाउन बैजनाथ की तरफ। कोसानी के सुंदर रास्तों पर आपको यहाँ की लोकल लाइफ के साथ साथ सड़क पर दिखने वाले पाइन, ओक एंड देवदार के पेड़ बेहद आकर्षित करेंगे। उत्तराखंड की एक और खास बात जो शायद आप नोटिस करें वो ये है कि यहाँ की सड़कें बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं और डेवलपमेंट के नाम पर शायद ही कोई जगह हो जहाँ पहाड़ों या पेड़ों को काटा गया हो। इसी वजह से यहाँ की नेचुरल ब्यूटी एकदम अनमैच्ड है। दोपहर का वक्त है और अभी हम बैजनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। एज यूजुअल जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो कैमरा लेके साथ निकलता हूँ, क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं बर्ड्स मिलते रहते हैं। पहाड़ों में अगर आप कभी भी घूमें तो आपको बेंड्स पर एक ऐसी जगह ज़रूर मिलेगी जो एक काइंड ऑफ रवीन है, जो कि दो पहाड़ों के बीच में छोटी सी वैली सी बनी होती है, और लेकिन ये बहुत ग्रीन होती है और यहाँ पे पीछे पानी भी बह रहा है, क्योंकि नेचुरल है कि जब दोनों साइड से पानी आएगा तो इसी पॉइंट पे इकट्ठा होकर फिर नीचे की तरफ बहना शुरू होता है। अब क्योंकि यहाँ पे पानी है तो पानी के पास अक्सर बर्ड एक्टिविटी भी बहुत होती है, तो हम रुके हैं यहाँ पे देखने के लिए कि शायद यहाँ पे कोई बर्ड एक्टिविटी हो, और अगर कोई बर्ड मिलता है तो आपको भी दिखाते हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा टाउन से दूर होने की वजह से कोसानी के पास आपको रोड ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा। अब इसका एक फायदा यह है कि आप कहीं भी गाड़ी रोक सकते हैं और नेचर और बर्ड लाइफ को कैप्चर या एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त हमारी नज़र पड़ रही है बर्ड्स के एक फ्लॉक पर जो बहुत शोर कर रहा है। पहाड़ों में आपको ऐसे बर्ड फ्लॉक्स अक्सर मिल जाएंगे और कमाल की बात तो ये है कि ये छोटे बर्ड्स अलग अलग स्पीशीज के हैं और एक साथ फ्लॉक बनाकर चल रहे हैं। इन छोटे एंड कलरफुल बर्ड्स को फोटोग्राफ करते हुए हमें अचानक से मिल रहा है ग्रेट रिपाई। क्रो फैमिली का ये बर्ड हिमालयन ट्रीपाई के नाम से भी जाना जाता है और अपनी क्रो जैसी कर कर आवाज तथा अपनी लॉन्ग टेल की वजह से आसानी से स्पॉट किया जा सकता है। बर्ड्स के साथ थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम इस सुंदर रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ की ग्रीनरी, ऊपर ब्लू स्काई विद डॉटेड क्लाउड्स और पहाड़ों और वैलीज का लगातार चलता व्यू इस ड्राइव को बहुत रिलैक्सिंग और मजेदार बना रहा है। थोड़ी देर में हमारी नज़र पड़ती है हमारी आज की डेस्टिनेशन यानी कि बैजनाथ, और बैजनाथ में गोमती नदी के किनारे सिचुएटेड द वर्ल्ड फेमस बैजनाथ टेम्पल। बैजनाथ मंदिर असल में 18 हिंदू टेम्पल्स का एक कॉम्प्लेक्स है। यह मंदिर पूरे वर्ल्ड में उन गिने चुने टेम्पल्स में से एक है जहां माँ पार्वती जी को भगवान शिव के साथ दिखाया गया है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है और आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ की कई मूर्तियाँ और ऑर्नामेंट्स को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पर्पज से बाहर से हटा दिया है। मंदिर के ही पास गोमती नदी पर एक छोटा सा बैराज भी बना हुआ है जिसकी वजह से ये नदी एक मिनी लेक में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ आपको लोग अक्सर मछलियों को निहारते दिख जाएंगे। मंदिर के सामने और इस लेक के ऊपर इस वक्त हमें दिख रहा है रैप्टर्स का एक बड़ा फ्लॉक, और ये वो बर्ड है जिसने शायद सारे बर्ड्स में अपने आप को सिटीज एज वेल एज माउंटेन्स के लिए बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है, और इस रैप्टर का नाम है ब्लैक काइट। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला रैप्टर भी है और आपको अपने शहर में अक्सर दिख जाएगा। लेक के ही ऊपर एक वायर पर हमें एक और सिटी बर्ड देखने को मिलता है जिसे आप और हम व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर के नाम से जानते हैं।
ये बर्ड मोस्टली आपको वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स के आसपास ही दिखेगा। इस वक्त हम वैद्यनाथ मंदिर में हैं। पहली बात तो इस जगह का नाम बैजनाथ है और मंदिर का नाम वैद्यनाथ है। तो हम भी शुरू से जब चल रहे थे हम बैजनाथ मंदिर बोल के आ रहे थे, लेकिन हमने जब यहाँ पे आके मंदिर का नाम पढ़ा तो मैं देखा कि मंदिर का नाम है वैद्यनाथ और जगह का नाम है बैजनाथ। अब ये मंदिर गोमती नदी के किनारे पे है और ये यहाँ पे पूरा बैराज बनाया हुआ है, और क्योंकि यहाँ पे नदी है तो इस वजह से यहाँ पे बर्ड एक्टिविटी भी है। तो हम यहाँ पे कुछ कुछ बर्ड्स कैप्चर कर रहे हैं और उनमें से कुछ आप देख चुके हैं और कुछ अब आप थोड़ी देर में देखेंगे। लेक के दूसरे किनारे पर हमें दिख रहा है हेरून फैमिली का एक वाइड स्प्रेड बर्ड जिसका नाम है स्ट्रिएटेड हेरून, जो अपने ओवरऑल ग्रे कलर की वजह से बाकी हेरून से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दूसरी तरफ तार पर आकर बैठी है रेड वेंटेड बुलबुल, जो अपनी स्वीट कॉल से हमेशा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एंड फाइनली हमें एक बार फिर से दिख रहा है ग्रेट रिपाई, जो फिर से अपने इवनिंग मील की तलाश में तार पर बैठकर ग्राउंड को स्कैन कर रहा है। शाम होने पर अब हम वापस चल पड़े हैं कुसानी की तरफ और पहले की तरह ही इन सुंदर रास्तों पर अपनी इवनिंग ड्राइव को एंजॉय कर रहे हैं। यूं तो मेडिटेशन करने के कई तरीके हैं, बट इन खूबसूरत वादियों में ओक, पाइन और देवदार के पेड़ों के बीच और क्लीनेस्ट एयर को इनहेल करते हुए टहलना भी शायद किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। अब पहाड़ों में बर्डिंग करने का ये भी एक मजा सोचिए। इस वक्त मैं बड़ी नेचुरल कैनेपी में खड़े हुए हैं, मेरे पीछे एक नेचुरल वाटरफॉल है जो मोस्ट लाइकली पीछे हुई मॉनसून की वजह से जो जगह जगह वाटर के सोर्सेज क्रिएट हो जाते हैं उनकी वजह से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ खड़े होना ही इतना पीसफुल है। क्रिकेट्स की आवाज़ें आ रही हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है, वाटर है, बर्ड एक्टिविटी है, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेस। तो हम भी यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा सा वाटरफॉल को एंजॉय कर रहे हैं और थोड़े से बर्ड्स कैप्चर कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा। कुसानी की खूबसूरती को तो हमने एंजॉय किया ही, लेकिन बैजनाथ तक का ये सफर भी काफी मजेदार था। इन सुंदर पहाड़ों में नेचर को एंजॉय करना और अलग अलग बर्ड्स को फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ करना भी एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है। शायद ऐसे ही दिन को हम बोल सकते हैं अ डे वेल स्पेंट। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कुसानी के कुछ और एक्सोटिक बर्ड्स और साथ में आपको लेकर चलेंगे रुद्रधारी वाटरफॉल के शानदार ट्रैक पर। सो तब तक के लिए आप त्रिशूल और नंदा देवी के इस खूबसूरत वीक को एंजॉय कीजिए। उम्मीद है आपको आज का यह सफर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस एपिसोड को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।